हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स का और जेई एडवांस का 2019 का। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल पी क्यू आर को दे रखा है और पी के अपोजिट साइड स्मॉल पी है क्योंकि अपोजिट साइड स्मॉल क्यू और आर के अपोजिट साइड स्मॉल आर है। पी की लेंथ रखिए रूट थ्री, क्यू की लेंथ रखिए वन, और उसके बाद कह रहा है कि पी से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है ये परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, और आर एस ये एक मीडियन है पी क्यू के लिए, यानी कि PS और SQ ये इक्वल है। और इसका रहा है कि इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की जो रेडियस है मींस कैपिटल R से बोलते हैं वो दे रखा है 1। तो और बात ये भी कह रहा है कि इन अ नॉन राइट एंगल, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं राइट एंगल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी हो रही होगी जिसको कि हमें अवॉइड करना है। ये बात को दिमाग से पहले से बढ़ा लिया करिए। तो अब बाकी मोर देन 1 चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं। साइन रूल लगा लेते हैं, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो यहां पर क्या हो गया, साइन पी अपॉन पी, साइन पी अपॉन स्मॉल पी का मतलब रूट थ्री इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन क्यू अपॉन स्मॉल क्यू कितना है भाई 1 है, और साइन आर अपॉन स्मॉल आर। अब यहां पे सुनिए, कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन टू साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन टू साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टू साइन सी, कहने का मतलब यहां पर स्मॉल आर अपॉन टू साइन आर। तो साइन आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब यहां से साइन पी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, इसका मतलब एंगल पी जो आएगा वो 60 डिग्री हो सकता है, वो 120 डिग्री हो सकता है, वो 120 डिग्री भी हो सकता है। अब इसके बाद एंगल क्यू क्या आएगा, एंगल क्यू हाफ आ रहा है यानी कि 30 डिग्री हो सकता है और 150 भी हो सकता है। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर अगर एंगल क्यू 30 डिग्री हो गया तो ये तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा, ये फिर 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये अगर 60 हो गया 30 हो गया तो फिर अगले वाले को तो 90 होना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल पी 60 नहीं हो सकता है, तो 120 ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, और एंगल आर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, और ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री। इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आप अपने आप सोच लीजिएगा कि 60 और 150 तो 180 से ऊपर टाइप का हुआ, आप अपने आप सोच लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग एरिया वगैरह की। तो अब यहां पर बात यह है कि एंगल क्यू और एंगल आर ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये भी मीडियन हो गई, ये अगर मीडियन हो गई तो और ये भी मीडियन है, इसका मतलब ये तो सेंट्रोइड हो गया। अब ये अगर सेंट्रोइड हो गया है तो ये भी मीडियन हो गई, तो साइन 30 और ये 1 दे रखा है, तो साइन 30 इज इक्वल टू पीई अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब पीई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो पीई आ गया 1 अपॉन 2। अब ये टोटल आ गया 1 अपॉन 2, तो OE कितना होगा इसका 1/3, यानी कि OE 1 अपॉन 6 इज करेक्ट। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब आगे की क्या बात है कि ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE, तो अब हम इसको जरा और आगे बढ़ा दें, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, यह हमने बढ़ा दिया आगे। अच्छा, स्मॉल r भी निकाल लें, स्मॉल r की भी वैल्यू क्या होगी वो भी पता हो जानी चाहिए कि ये 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर साइन r अपॉन स्मॉल r, साइन r अपॉन स्मॉल r, और साइन r कितना हमने बोला, साइन r कितना ये हमने कितना बोला 30 डिग्री, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 आर, तो ये हो गया। साइन पी था हमारा 120 मींस रूट 3 बाई 2, और ये है रूट 3 इज इक्वल टू साइन आर का मतलब 30 डिग्री मींस 1 अपॉन 2 स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 1, स्मॉल आर की वैल्यू हमें 1 मिल गई, तो ये हो गया 1। अब ये जो लाइन हमने Q, इसको कुछ मान लेते हैं T मान लेते हैं, तो ये जो QT है ये भी मीडियन हो जाएगी क्योंकि दो सेंट्रोइड तो होंगे नहीं ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल PQR का एरिया जरा निकाल लिया जाए, एरिया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB sin C या हाफ BC sin A, कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो हाफ इंटू 1 इंटू रूट 3 इंटू 1 इंटू रूट 3 इंटू साइन 30 मीन्स हाफ हो गया, इंटू साइन 30 हाफ दिस इंटू दिस साइन 30, तो ये आ गया रूट 3 बाई 4, रूट 3 बाई 4 आ गया। अब जो कहने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हो सकता है बात आपके लिए नहीं हो, आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हो लेकिन शायद ना पढ़ा हो, वो ये
कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें तो ये ट्राइंगल इसका मतलब यहां से SOE का जो एरिया होगा वो 1/3 होगा STE का। समझ की बात आ रही है कि SOE का जो एरिया होगा वो 1/3 होगा STE का, और STE का जो एरिया होता है वो 1/4 होता है ट्राइंगल PQR का। कहने का मतलब SOE का जो एरिया होगा वो 1/12 ऑफ PQR हो जाएगा। ट्राइंगल SOE, ट्राइंगल SOE इज इक्वल टू 1/12 ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR का एरिया है कितना? √3/4। इसका मतलब ये तो √3/48 आ गया, और यहां पर कहीं रखा था तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद रेडियस ऑफ इन सर्कल निकाल ली जाए तो कुछ रफ करना पड़ेगा, कुछ रफ कर दिया जाए। रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालते हैं हम लोग, तो स्मॉल r इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s। स्मॉल r इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, और डेल्टा अभी हम लोग निकाला था √3/4 निकाला था इसका एरिया, तो √3/4, और s का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी कि 1+1+√3 मींस 2+√3 कर दिया जाए। इसको रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 2-√3, और यहां पर कितना आ गया 4 × 4-3, तो ये आ गया √3/4 और अच्छा इसका दिस बाय 2 भी तो होगा a+b+c/2 स्मॉल s इज इक्वल टू a+b+c/2, तो 2+√3/2, तो ये 2 चला गया। तो ये फाइनली हमको कितना मिल गया √3 × 2-√3/2, तो √3 × 2-√3/2 इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब एक और बचता है RS = √7/2। RS का मतलब ये एक मीडियन है, तो मीडियन का अगर हमको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली तो आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें हम पहले ऐसे ही बना देते हैं आपके लिए कि जैसे ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये तो एक हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको वहां पे पहले से पता होगा। तो अगर हम ये मीडियन निकाल रहे हैं, ये मीडियन मान लिया अगर x निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है √2b² + 2c² - a², तो अब यहां पे माइनस ए स्क्वायर का मतलब जो निकालना है उसके लिए माइनस, मतलब कहने का अगर आर एस निकालना है तो -1² होगा। तो RS = √2 × 2² यानी 2 × 3 +2 × 1² = 2 -a² = 1, तो ये कितना हो गया 6+2 8-1 = 7 √7/2 √7/2, यानी कि ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, बस एक ये ही गड़बड़ हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इसने पूरा का पूरा यूज कर लिया। ओके, थैंक यू।